मूवी के स्टार्टिंग में हम अपने दोस्त को देखते, जिसे देखते सब लोग कहने लगते भागो। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम था जिंगू जुंगू। अरे यार ठीक है, हम इसे प्यार से कहेंगे जुहू। जुहू पबजी की दुनिया में बेमिसाल किंग था, जो कि रात को गेम प्ले का वीडियो देख के सुबह अपने दोस्त लोग के सामने फ्लेक्स मारता था। उसे दिन भर पबजी खेलने के अलावा कुछ पसंद नहीं था, खाना पीना तो दूर की बात। वो दिन में 3 से 4 घंटे लाइव स्ट्रीम करता था, लेकिन फिर भी बेचारे का चैनल ग्रो नहीं हो पाया। सेम हाल था उसका मेरे जैसा भी। खैर एक दिन हम देखते कि गेम खेलते समय उसका वेला दोस्त, जो कि लैंडिंग करते समय मर चुका था, वो उसे बताता कि अपनी टीवी को एक बार चालू करके देख, तुझे बहुत ही बड़ा शौक लगने वाला है। जो उसकी बातों को सुन के अपनी टीवी को चालू करता है, जहाँ पे उसको सच में शौक लग जाता है ये देख के कि हर जगह एक वायरस फैल चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 70% लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका है। और जो भी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो आपस में चिकन डिनर करे एक दूसरे का मास्क खाके। जो को लगता है कि टीआरपी के लिए ये न्यूज वाले कुछ भी बता रहे थे, तो अपने गैलरी से वो एकदम लाइव व्यू देखने के लिए जाता है। लेकिन बाहर देखने के बाद उसे पता चल चुका था कि वो वायरस उसके बिल्डिंग तक पहुंच चुका है, मतलब कि उसके आसपास के लोग चिकन डिनर करने में बिजी थे। तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक नॉक करता है, और जैसे वो अपने दरवाजे को खोलता है तभी उसका पड़ोसी बिना उसके परमिशन के घर के अंदर घुस जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे एक मिनट के लिए अपना वॉशरूम यूज करने दो, मुझे जोर से आई है उल्टी। जैसे वो वॉशरूम में उल्टी करने गया तभी जुहू टीवी को ऑन करके अपडेट को देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि कोई भी इंसान को अपने घर में घुसाओ मत, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ज़ॉम्बी बनने में कम से कम 5 मिनट लग रहा है। तो अपने दरवाजे को लॉक रखिए, चतक रहिए, सावधान रहिए, मिलते नेक्स्ट एपिसोड में। ये देख के जू एकदम से डर गया था, क्योंकि उसके घर के अंदर पहले से उसका पड़ोसी आ चुका है, और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसका पड़ोसी भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो पोकेमोन की तरह विकसित हो रहा था ज़ॉम्बी में। तभी पूरी तरीके से विकसित होने के बाद वो जुहू के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जुहू जैसे तैसे बच के अपने घर से उसे बाहर निकाल देता है। ये सबसे जुहू एकदम से डर चुका था, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं थी। वो जैसे अपनी फैमिली को मैसेज करने वाला था तभी उसका फैमिली का मैसेज सामने से आता है, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि तुम अपने घर से बाहर निकलना मत, हम लोग भी यहाँ पे सेफ है, कुछ भी हो जाए अपने दरवाजे को खोलना मत, और कोशिश करना कि अपने सभी रूम के दरवाजे पैक करके रखो। इसके बाद हम देखते कि रात में जुहू वापस से अपनी हिम्मत को जुटाता है और डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली के लिए टॉप 10 में आके रहूंगा, मतलब कि वो आगे कैसे सर्वाइव करे इसका वो प्लान करना चालू कर देता है। वो अपना माइंड सेट कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस घर से बाहर निकलूंगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा था वैसे वैसे वो पागल होते जा रहा था। आखिर कोई बंदा घर के अंदर कितना देर तक रहेगा। वो पूरा दिन अपने फोन को यूज कर करके बोर हो चुका था। तभी अचानक से सोशल मीडिया में सर्फिंग करते समय उसके सामने कुछ पोस्ट आते जिसमें लोग अपने रेस्क्यू के लिए मदद मांग रहे थे, तो उसे भी उस नरक से बाहर निकलना था, इसलिए वो भी पोस्ट कर देता उनकी तरह, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी कोई तो मदद करने के लिए सामने आएगा। लेकिन काफी दिन हो जाता है, कोई भी रिस्पांस उसे मिलता नहीं। लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फॉलोअर्स तो कम है, तो रिस्पांस बेटा कहां से आएगा। इसके बाद हम देखते कि वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वापस से गेमिंग का लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है, लेकिन वाईफाई का कनेक्शन भी टूट चुका था, तो इसलिए वो पूरी तरीके से बौखला गया था। अगले सीन में हम देखते कि रात में उसको अपनी बेलकुनी से कुछ आवाजें आ रही थी, तो इसलिए वो उसको चेक करने के लिए बाहर जाता है। वो अपनी बेलकुनी से देखते कि नीचे एक ऑफिसर भाग रही थी ज़ॉम्बी के बीच। वो बेचारी बहुत ही कोशिश कर रही थी बचने का वो लोग को शूट करके, लेकिन एंड मोमेंट में हम देखते कि उसकी गोली खत्म हो जाती है। जो ये सब देख के उसको मोटिवेट करने लगता कि भागो भागो जल्दी वहां से, नहीं तो वो लोग तुम्हें चिकन बना के तुम्हारा चिकन डिनर कर लेंगे। वो जू के बकवास से मोटिवेशन को सुन के डीमोटिवेट हो जाती है, और फाइनली हम देखते कि वो बेचारी भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते कि दरवाजे में ध्यान ना होने की वजह से वहां से एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है, जो ये सब देख लेता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम बचा नहीं था कि वो ज़ॉम्बी को वहां से निकाले, तो वो खुद बेलकुनी से नीचे लटक जाता है इसी उम्मीद में कि ज़ॉम्बी अंधे होते, उन्हें तो कुछ पता चलेगा नहीं कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ, वो डायरेक्ट आके नीचे गिर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में ज़ॉम्बी अंधे निकलते, मतलब कि वो डायरेक्ट स्टार्टअप लेके आते और क्रैश लैंडिंग नीचे करते। इसके बाद वो अपने घर से बेलकुनी में वापस आते हैं और देखते हैं कि पूरे फ्रिज के खाने के सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, और उसे भी अच्छे से पता था कि इस मोमेंट में खाना कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए, तो वो एकदम से उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते कि वो अपने घर को पूरी तरीके से पैक कर रहा था ताकि किसी ज़ॉम्बी को पता न चले कि वो अंदर छुपा हुआ है। कुछ दिन बाद हम देखते कि खाने की क्वांटिटी और पीने का पानी दोनों भी पूरी तरीके से खत्म होने वाला था,
तो वो अपने डैड के वाइन को पीना चालू कर देता है। एक दिन हम देखते हैं कि उसके दरवाजे में वापस से कोई नॉक नॉक करता है, और वो जब दरवाजा खोल के देखता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली वापस आ चुकी थी, और उसे फाइनली लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा था नहीं, मतलब कि वो उसके दिमाग का पूरा एक भ्रम था। वो चाह के भी यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसकी फैमिली का था। वो जैसे ओपन करता है तो उसे पता चल चुका था कि उसकी फैमिली भी शिकार बन चुकी है जॉम्बी की, क्योंकि वॉइस मैसेज में वो लोग के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सुनने के बाद वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसके सामने जो भी उसे दिख रहा था वो उसे बुरी तरीके से तोड़ रहा था, भले ही घर की टीवी हो या फिर फर्नीचर, वो किसी को भी नहीं छोड़ा था। वो जोश जोश में बाहर निकल जाता है और वहाँ के एक जॉम्बी को पकड़ के कोटने लगता है। लेकिन जब वो उसके पूरी खानदान को देखता है तो वो डर के मारे वापस रूम के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में जो पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसके आसपास के लोग पूरी तरीके से जॉम्बी बन चुके थे, और जो उसकी आखिरी उम्मीद थी मतलब कि उसकी फैमिली, वो भी शिकार हो चुकी थी जॉम्बी का। तो वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड करेगा, क्योंकि वो जिंदा रह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसका खाना साथ ही साथ पानी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था जैसे वो सुसाइड करने वाला था। तभी हम देखते कि सामने वाले बिल्डिंग से कोई तो उसके मुंह में लेजर लाइट को चलाता है, जिससे वो तुरंत समझ जाता है कि कोई तो है जो कि मेरे तरह जिंदा है। तो वो सुसाइड करने का प्लान इधर ही ड्रॉप करता है और बालकनी से उसे देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम था किमी। लड़की को देखते वो ऐसे खुश हो जाता है कि जैसे कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। दूसरी तरफ हम देखते कि किमी भी इशारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अगले सुबह हम देखते कि ये दोनों वापस इशारे में बातें करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जो सबसे पहले उसको बताता है कि मेरे पास ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए पानी, तो प्लीज अगर तुम्हारे पास है तो मुझे भेजो। जिसके बाद हम देखते कि उसका खाना पहुँचाने के लिए वो एक बड़े से वायर को लाती है। वो अपना पूरा दम लगा के उस वायर को उसकी ओर फेंकती है, लेकिन उसका हाथ 2.5 किलो का नहीं था इसलिए वो वायर बीच में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते कि जू अपने दिमाग को यूज करता है और अपने ड्रोन की मदद से उसके घर तक एक रस्सी को पहुंचाता है, जिसके थ्रू हम देखते कि किमी अपने घर का खाना और कुछ पानी का बॉटल उसे देती है। खाना मिलते ही वो उसमें बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। वही दूसरी ओर हम एक जॉम्बी को देखते हैं जो कि किमी को देख लेता है, और वो जॉम्बी वही वायर को धीरे धीरे पकड़ के ऊपर की ओर जा रहा था जो कि स्टार्टिंग में फेंका था किमी ने। जो ये सब देख लेता है वो तुरंत वाइन के बॉटल को उसकी तरफ चला के मारता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। तो वो फाइनली अपनी ड्रोन की मदद से उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो डाइवर्ट होने के बदले उसके ड्रोन को ही तोड़ देता है, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। जिसके बाद हम देखते कि वो जॉम्बी ऑलमोस्ट किमी के बालकनी तक पहुंच गया था। तभी हम देखते ये शौक हो जाते कि किमी कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो जॉम्बी के हाथों का कीमा बना देती है, मतलब उसे सोले का ठाकुर बना देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में जूहू सभी खाने को खा लेता है, जो कि वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकल के फाइनली किसी और के रूम में जाएगा। तो वो बड़े शांति से वहाँ से निकलता है और एक मरे हुए जॉम्बी के पैंट से उसके घर की चाबी को ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और जॉम्बी आ जाता है और उसे देख के जो तुरंत छुप जाता है। वो एकदम अपनी सास को रोक के छुपा रहता है जब तक वो जॉम्बी वहाँ से चलाने गया, और सही मौके का फायदा उठा के वो तुरंत रूम के अंदर चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके हिम्मत करने का फाइनली उसको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब कि वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारा खाना उसे मिल जाता है, और साथ ही साथ 2 वॉकी-टॉकी भी मिल गया था जिसके थ्रू अब वो किमी से बात कर सकता है। वो तुरंत वहाँ से सभी चीज को अपने बैग में भरने लगता है, तभी उसको महसूस होता है कि वहाँ पर उसके अलावा भी कोई है, और अचानक से हम देखते कि वहाँ से 2 जॉम्बी निकल के उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन जूहू जैसे तैसे वहाँ से निकलने में कामयाब होता है और वापस से अपने रूम में आ जाता है। इसके बाद हम देखते कि वो किमी की मदद करने के लिए कुछ खाना और साथ ही साथ एक वॉकी टॉकी भी दे देता है, जिसके बाद हम देखते कि अब वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। किमी यहाँ पर अपने फैमिली के बारे में उसे कुछ बताती है, और जो भी अपने फैमिली के बारे में उसे कुछ बताता है, दोनों आपस में कंफर्टेबल हो जाते और डिसाइड करते कि हम एक टीम की तरह यहाँ पर काम करेंगे। मतलब कि वो लोग तय कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकल के किसी और बिल्डिंग में जाना चाहिए, जिसके रिप्लाई में किमी उससे कहती कि तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि जॉम्बीज की संख्या दिन पे दिन इस बिल्डिंग में बढ़ती जा रही थी, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि इस बिल्डिंग में काफी दिन तक रह जाए, वो लोग कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। किमी जोग एक सजेशन देती है और कहती है कि हमें सामने वाले बिल्डिंग के 8th फ्लोर में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने किसी जॉम्बी को जाते हुए देखा भी नहीं है, और साथ ही साथ वो रूम कब से बंद है। तो जैसे कि
जो वो एक लड़का था, इसलिए वो मना नहीं कर पाते और वो लोग डिसाइड कर लेते कि हम यहाँ पर ही जाने वाले। जिसके बाद हम देखते कि वो दोनों तैयारी करने लगते अपने रूम से निकलने के लिए। यहाँ पे हम ये देख के शौक हो जाते कि किमी तो दिस्मा खान निकली। वो बिना डरे अपने बेल्कुनी से नीचे उतर जाती है और जॉम्बीज को कूटते हुए वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते कि मेरी तरह जो भी ये सब देख के शौक हो गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर की तरह एक प्लान को बनाएगा और किमी के सामने हीरो बन जाएगा। लेकिन यहाँ का सीन देख के वो एकदम से बौखला गया था। दूसरी तरफ हम देखते कि जॉम्बी की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही थी और किमी अपना पूरा दम लगा रही थी वो लोग से बचने के लिए। तभी वहाँ पर कुछ और जॉम्बीज के ग्रुप आ जाते जो कि ऑलमोस्ट उसको काटने वाले थे। लेकिन सही समय में हम देखते कि जो हीरो की तरह एंट्री करते हैं और उसे बचा लेते हैं। कभी कभी क्रश को बचाने का सपना ही नहीं रह जाता, पूरा भी होता है। खैर मूवी में वापस आते हैं, हम देखते कि वो फाइनली 8th फ्लोर में आ गया था। लेकिन यहाँ पर वो देखते कि सभी डोर में लॉक लगे थे, तो वो लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर उनका नसीब काम आता है, मतलब कि जो फ्लोर में कभी जॉम्बी दिखते नहीं थे वो फ्लोर में अभी जॉम्बी की पूरी बराती आ रही थी। इस मोमेंट में एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ये दोनों टपक जाएंगे और मूवी इधर ही खत्म हो जाएगी, मेरा टाइम भी बच जाएगा। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, मतलब कि वहाँ पर एक लेजेंड आता है जो कि किमी को सबसे पहले अंदर लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर एक स्मोकिंग अलार्म को छोड़ के जो को भी बचा लेता है और साथ ही साथ मेरी एक्सप्लेनेशन का काम भी बढ़ा दिया था। खैर इसके बाद हम देखते कि वो इंसान वो दोनों को खाने के लिए कुछ देते हैं और वो लोग को बताते कि हमें बचाने के लिए मिलिट्री फोर्स आने वाला कुछ समय के बाद, तो हमें किसी भी कुछ समय के लिए यहाँ पे सर्वाइव करके रहना है। लेकिन किमी को पता नहीं कि उसकी बातों से उसमें डाउट जा रहा था। तभी अचानक से वो उसकी फैमिली के फोटो को दिखती है, तो वो उससे सवाल करने लगते कि आखिर तुम्हारी फैमिली है किधर, जिसके रिप्लाई में वो कुछ कहता नहीं। तभी अचानक से हम देखते कि जुहू भी और सोना चालू हो जाते हैं, मतलब कि किमी का शक एकदम सही था। यहाँ पे डायरेक्टर बाबू ने कुछ चेंजेस किया था स्क्रिप्ट में। हम देखते कि किमी भी बियोसोना चलो ही मिलाया था, मतलब कि ये इंसान ने वो लोग के खाने में बियोस वाली गोली मिलाया था। जिसके बाद हम देखते कि वो इंसान किमी की बॉडी को एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे हमें पूरी सच्चाई पता चलती है, मतलब कि वो इंसान की वाइफ जॉम्बी बन चुकी थी। तो वो अपनी वाइफ को एक जगह बांध के उसे रोज खाने के लिए एक इंसान का मांस देता था। वो किमी की बॉडी को उसी रूम में बंद कर देता है जहाँ पे उसकी वाइफ बनती। तभी किमी को होश आ जाता है और उसकी वाइफ का सड़ा हुआ मुंह देख के वो चिल्लाने लगती है। किमी की आवाज सुन के जो को भी होश आ जाता है। वो उस आदमी को गन पॉइंट में रखते हुए कहता है कि मेरी दोस्त को तुरंत छोड़ो, जिसके रिप्लाई में वो इंसान उससे कहता है कि तेरी जान छोड़ा वही बड़ी बात है। वो जो को धमकी देने लगता कि ये जो रस्सी तू देख रहा है वो मेरी वाइफ का रस्सी है और अगर मैंने ये रस्सी को छोड़ दिया तो तेरी दोस्त का कीमा बन जाएगा, तो तेरी भलाई इसमें ये कि तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। लेकिन जो उसकी बात मानता नहीं, इसलिए वो रस्सी को छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते कि अंदर से जोर से एक चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों को लगता कि किमी का तो कीमा बन गया होगा, वो बेचारी तो काम से गई। तो अंदर से आवाजें बंद होने के बाद वो इंसान उस दरवाजे को खोलता है। तभी हम देखते कि मूवी का दूसरा ट्विस्ट आता है, मतलब कि किमी का कीमा तो बना नहीं था लेकिन वो इंसान का कीमा जरूर बन जाता है। और हमें पता चलता है कि जब वो पागल औरत किमी के ऊपर अटैक करने गई थी तभी किमी ने अपने दिमाग से उसके फेस को बंद कर दिया था, जिसके वजह से उसे कुछ दिखाई दिया नहीं और वो शांत हो गई। लेकिन जब वो दरवाजा खोला तब वो प्लास्टिक उसके मुंह से हटा दी, जिसके वजह से अब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉम्बी बन चुके थे, तो इसलिए किमी वो दोनों को शूट कर देती है। लेकिन मुसीबत अभी तक टली नहीं थी, मतलब कि वो गोली की आवाज सुन के सभी जॉम्बी की बारात येलो के रूम की तरफ आ रहे थे। तो किमी डिसाइड करते कि वो जॉम्बी के हाथों मरेगी नहीं, इसलिए वो जोर से कहते कि मुझे शूट कर दो क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकती। यहाँ पे किमी ने अपना पूरा दम तोड़ दिया था, उसे 1% भी विश्वास नहीं था कि वो बचेगी। तो किमी के कहने पर जो फाइनली वो गन को उसकी तरफ पॉइंट करता है, जैसे जो शूट करने वाला था। तभी मूवी का स्क्रिप्ट वापस से चेंज होता है और यहाँ पर हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि मिलिट्री फोर्स थे। ये लोग सही समय में आ चुके थे ये दोनों को बचाने के लिए। तो वापस से ये लोग अपना सुसाइड का प्लान को इधर ही ड्रॉप करते हैं और यहाँ से टेरिस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम देखते कि वो दोनों अपना पूरा दम लगा के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर जॉम्बी की संख्या इतना ज़्यादा थी कि वो लोग खुद को संभाल नहीं पाते और फाइनली भागते समय एक जॉम्बी किमी का पेड़ पकड़ लेता है, जो ये सब देख के वापस से हीरो बनने के लिए जाता है। वो किमी से वही पुराना डायलॉग मारता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं ये लोग को रोकने की कोशिश करता हूँ। वो सोच रहा था कि यहाँ पे किमी रिप्लाई करेगी उसको कि हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो डायरेक्ट उसे छोड़ के भाग जाती है। के बाद हम देखते कि वो फाइनली टेरेस में पहुंच गई थी, जिसके ठीक कुछ समय बाद हम देखते कि जो भी वहाँ पर से सलामत आ गया था। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ये दोनों देखते कि यहाँ पर कोई मिलिट्री फोर्स था नहीं,
वो दोनों की उम्मीद वापस से टूटने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग की और बैंड बजाने के लिए जॉम्बी भी वो लोग पूरी तरीके से टेरेस के अंदर घुस चुके थे। जो अपने पिस्तौल के सभी गोली को यूज कर देता है लेकिन उसका कुछ भी फायदा होता नहीं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। और फाइनली हम देखते कि वो सभी जॉम्बी ये दोनों के एकदम पास आ चुके थे। तभी वहाँ पर मेन मोमेंट में वापस स्क्रिप्ट चेंज होता है और हम अपने सेकंड वाइल्ड कार्ड एंट्री को देखते हैं जो कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था। वो लोग एकदम मेन मोमेंट में आके सभी जॉम्बी को शूट करना चालू कर देते हैं जिसके वजह से वो दोनों को कुछ और समय मिल गया था वहाँ से निकलने के लिए। और फाइनली हम देखते कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते और हमें पता चलता कि यह सब जोहू के वजह से हुआ था क्योंकि जो पोस्ट उसने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया में किया था उसकी वजह से मिलिट्री फोर्स यहाँ पर आए थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हम देखते कि मूवी इधर ही एंड होती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।